वेलकम बच्चों। सो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में भी लिख चुके हैं और उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख चुके हैं। अब इसके उल्टा भी तो हो सकता है, आपको वो पोलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे और वो आपको पूछे कि उसको जनरल फॉर्म यानी जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में लिखो, ठीक है। तो उस तरह के एग्जाम्पल हमको किस तरह से करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास में बोर्ड पर आपको एक दो एग्जाम्पल मैंने लिखे, चलो अब उसको देखते कि उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। सो हमारे पास मान लीजिए कि इसके हमको आंसर्स लिखने हैं, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी। चलो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब सोचते उसको क्या कहा उसने। देखो, एक्सप्रेस जेड इज इक्वल टू रूट टू ई पावर थ्री पाई बाय फोर आई इन दी ए प्लस आई बी फॉर्म, यानी कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और ये हमको दिया है, तो चलो पहले गिवन लिख लेते। गिवन क्या दिया है, चलो बताओ, जेड इज इक्वल टू क्या है, जेड इज इक्वल टू है रूट टू इन टू ई पावर थ्री पाई बाय फोर और साथ में है आई, ठीक है। आपको मालूम है इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो चलो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयरिंग विथ क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, सो जेड इज इक्वल टू आपको मालूम है ना आर इंटू ई पावर क्या होता है, आई थीटा बोलो या फिर थीटा इंटू आई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर आर, देखो जेड तो जेड है, आर के जगह पे कौन आ चुका है, आर के जगह पे रूट टू, ठीक है, आर के जगह पे रूट टू हो गया। और उसके बाद देखो ई पावर, यहाँ पे ई पावर है आई है, आई है, बचा कौन थीटा, तो थीटा के जगह पे कौन आएगा, थीटा के जगह पे होगा थ्री पाई बाय फोर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हमको इसको किस में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको ना आप इसको पोलर फॉर्म में लिख लो, यानी आई बी के फॉर्म में लिखना एकदम सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। तो क्या है जेड का पोलर फॉर्म, तो जेड इज इक्वल टू आर साथ में क्या है कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा, आई इंटू क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अपने अपने जगह पे वैल्यू रख देते, ठीक है। सो ये हमारे पास में इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट टू। अब यहाँ पे देखो ये है कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री पाई बाय फोर प्लस ये I है, और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास थीटा फिर से क्या होगा थ्री पाई बाय फोर। तो ये इस तरह से हमारे पास में क्या है कॉस थ्री पाई बाय फोर और साइन थ्री पाई बाय फोर की वैल्यू निकाल दी आपने कि समझो हमारा काम हो गया। तो इसको करने के लिए क्या करना है, देखो सिंपल, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आप कॉस थ्री पाई बाय फोर थोड़ा सा निकालना आपको परेशानी होगी, तो इसको ना अपने पहले जनरल फॉर्म में बदल देते। इसका सिंपल तरीका जो मैं बताता हूँ वो देखो, आप न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, कितने से कम है, तो थ्री है फोर है, तो फोर से एक कम है। तो जो मैं सिंपल बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो, अगर न्यूमरेटर ध्यान देना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो आप वहाँ पे माइनस के लिए काम करना, ठीक है। पहली बात, फोर से थ्री कितना कम है एक, तो आप यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में वन और वन पाई, क्या लिखेंगे आप वन पाई माइनस, वन पाई माइनस आप यहाँ पे क्या कर दो, ये थ्री को छोड़ दो तो बचा कौन पाई बाय फोर, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, थ्री फोर से कितना कम है वन से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वन पाई माइनस, थ्री को छोड़ दो पाई बाय फोर लिखो, नहीं तो चेक कर लो क्या लिखा मैंने बताओ, पाई माइनस पाई बाय फोर, इसके नीचे कुछ नहीं यानी वन है, चलो चेक करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो फोर पाई जा फोर पाई माइनस वन पाई जा पाई अपॉन में फोर आएगा यहाँ पर, देखो वाला फोर पाई माइनस कुछ नहीं यानी वन पाई, तो ये होगा आपका थ्री पाई बाय फोर, यानी आगे हमारे पास थ्री पाई बाय फोर। तो ये टेक्निक ध्यान में रखना, क्या हो जाएगा थ्री पाई बाय फोर, तो ये टेक्निक आपको क्या करना है ध्यान में रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कहा मैंने कि जैसे कि हमारे पास में अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो जितने से छोटा है उतने पाई ले लेना और वहाँ पे ऊपर का नंबर हटा कर पाई बाय जो भी रहेगा लिख देना, ठीक है। सो चलो वैसा ही हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस ये आई, अब साइन के लिए भी वही लिखेंगे, यानी क्या होगा साइन, यहां पे देखो फिर से कह रहा हूं थ्री फोर से वन कम है यानी वन पाई माइनस, थ्री को हटाओ क्या लिखेंगे हम पाई बाय फोर। ये टेक्निक को आपको थोड़ा ध्यान में रखकर करेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये रूट टू है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाता है वो देखो हमारे पास में, ठीक है, कॉस पाई। अब याद करो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में बताया था कि किस तरह से लेना, अगर मैंने कहा था पाई बाय टू है तो डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस है, पाई
टू पाए, थ्री पाए, फोर पाए, ऐसा अगर है तो आपको सेम लेना है, यानी कॉस है तो आप कॉस ही लेंगे, पाई माइनस को छोड़ो, क्या लिखेंगे आप, पाई बाय फोर। अब रही बात ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसको पहले चेक करो, मैंने बताया था आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे जीरो, ये पाई बाय टू बताया था, ये पाई बताया था, ये थ्री पाई बाय टू था, ये हमारा टू पाई था। अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा, पाई माइनस, तो पाई माइनस है तो आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख के दिया था साइन या फिर कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस सेक पॉजिटिव, ये कहा था मैंने। तो अब यहाँ दिया क्या है, कॉस, लेकिन वो तो यहाँ रहता तो पॉजिटिव, लेकिन ये तो हमारा यहाँ पे आने वाला है, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स और फिजिक्स को जब कंबाइन हमने क्लास लिया था 4-5 दिन, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, अगर किसी को याद नहीं है, ठीक है, तो आप पूरा डायरी में वह जाके वो वीडियोज़ देखो, फिर से लर्न करो उसको, ठीक है। तो चलो आगे हमारे पास है ये प्लस है, ठीक है, तो चलो यहाँ पे ये आई है, फिर से साइन है, पाई है, पाई है तो सेम, साइन है तो साइन ही आएगा हमारे पास में, साइन है तो क्या आएगा, साइन ही आएगा, और पाई माइनस को छोड़ो तो पाई बाय फोर आएगा। अब यहाँ पर भी चेक करो, पाई माइनस है ना सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता और उसने साइन दिया, मतलब आंसर पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसा करेंगे हम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, लेकिन ये सभी की सभी चीज़ें तब हमारे दिमाग में फिट रहेंगी अच्छे से जब हमारा बेसिक अच्छा रहेगा, जब तक आप बेसिक अच्छा नहीं करेंगे ना भाई, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास है रूट टू, ठीक है, दिस इज योर रूट टू माइनस, अंदर देखो अब ये माइनस कॉस पाई बाय फोर। अब सबसे पहले तो ये मालूम चाहिए पाई बाय फोर, पाई बाय फोर का मतलब क्या था, पाई का मतलब 180 अपॉन फोर, अब फोर फोर जा बचे टू, फोर फाइव जा यानी 45, यानी कॉस 45। वैसे तो कॉस 45 मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ 1/√2 है, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है ना बच्चों, एकदम सिंपल टेक्निक है, आँखों के सामने वो डायग्राम लाना है, कौन सी 45 वाले, तो क्या कहा था 45 1 45 1, 90√2। अब यहाँ पे कहीं पे भी रखो, ठीक है, क्या कहा उसने, कॉस 45, तो कॉस क्या कहता, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/√2, मैंने वही तो कहा था 1/√2। सो दिस विल बी -1/√2 प्लस आई है, और आई के साथ में क्या है, साइन पाई बाय फोर, हर वहाँ पे भी वही होगा, साइन का मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/√2, सो दिस विल बी 1/√2, ठीक है। चलो अब फाइनल स्टेप है हमारी जेड इज इक्वल टू, अब ये रूट टू से अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू कैंसिल, बचेगा 1 लेकिन -1, सो राइट हियर -1 प्लस, यहाँ पे देखो रूट टू कैंसिल और 1 × i क्या होगा, जस्ट i, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई, ठीक है, a प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया, तो सिंपल इस तरह से करना होता है हमको, अगर इस फॉर्म में दिया तो हम क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर उसने कहा मुझको कि इस तरह से लिखो, तो भाई मेरे ये सब हमारे पास है, बस इसके लिए वॉट एवर द बेसिक यू नीड, यू हैव टू कीप दैट बेसिक इन योर हार्ट, इन योर माइंड, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट, पहले तो हम हेडिंग पढ़ लेते, क्या है यहाँ पर, ओ माय गॉड, एक्सप्रेस इन ए प्लस आई बी फॉर्म, अरे वही तो करना है भाई, ठीक है, तो चलो फिर से हम काम करते हैं उसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन, सो गिवन इज व्हाट, लेट उसको मैं जेड नाम दे देता हूँ, ठीक है, तो जेड इज इक्वल टू व्हाट इज देयर, 3 × e पावर, इट्स अ 5π/12i, अगेन × 4e पावर π/12i, ओके, देन यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, एकदम सिंपल वे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो कॉन्सेंट्रेट हियर, तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, कभी भी अगर आप काम करते हो तो बराबर नंबर्स को देखकर, ऑपरेशंस को देखकर काम करना होता है। आप चेक करो ना, ये 3 और ये जो 4 है ये बाहर है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो 3 4 जा आई राइट हियर 12, में थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि पावर में है तो थोड़ी गड़बड़ी हो जाएंगी, ठीक है, सो 3 4 जा दैट विल बी 12। अब ध्यान दो, ये हमारे पास e का पावर है, ये भी e का क्या है, पावर है, अरे यहाँ पे e है, यहाँ पे भी है, यानी e बेस हो गया और ये पावर, और बीच में आ गया मल्टीप्लिकेशन, क्या कहा था इंडाइसेस रूल्स में, वो भी पढ़ाए हैं, इंडाइसेस रूल्स पढ़ाए, उसके बाद में वी जम्प्ड टू द लॉगरिदम्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखो बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर्स की
एडिशन, क्या था, बेस सेम है ना, ई पावर यानी बेस सेम है तो एज इट इज लिखो, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर्स की आप क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो पहला पावर कौन है, इट इज फाइव पाई बाय ट्वेल्व आई प्लस सेकंड इज पाई बाय ट्वेल्व आई, हो जाएगा. चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, तो दिस इज योर ट्वेल्व, ये ई पावर, एक काम कर सकते हैं हम, ये आई आई को निकाल देते बाहर में, ठीक है. सो चलो क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे बचेगा फाइव पाई बाय ट्वेल्व प्लस पाई बाय ट्वेल्व और ब्रैकेट के बाहर आए, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, दिस इज ट्वेल्व. अब ई पावर देखो ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता तो हम काम डायरेक्ट करते. तो बताओ फाइव पाई प्लस कुछ नहीं यानी वन पाई, फाइव पाई वन पाई, ये बनेंगे सिक्स पाई अपॉन ट्वेल्व आए. अब यहाँ पे आप सॉल्व करो तो ये ट्वेल्व है ई पावर, देखो सिक्स इसको कट करेगा तो इट विल बी पाई बाय टू आए, हो जाएगा. अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, ठीक है. अब क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे हम, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे बोलो ना, कंपेयरिंग कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, किसके साथ बोलो, तो z इज इक्वल टू r इंटू ई पावर थीटा आई या फिर आई थीटा चलता है. सो देखो आर के जगह पे क्या आएगा, यस आर के जगह पे कौन हो जाएगा हमारा ट्वेल्व, सो आर इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड थीटा के जगह पे आएगा पाई बाय टू, हो गया. अब फिर से मैंने जो कहा वही काम करो, सिंपल इस तरीके से जाओ, फट से आंसर आ जाएगा. चलो तो पोलर फॉर्म क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू, यस जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हो जाएगा. चलो सॉल्व करो, आर 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 है हमारे पास ट्वेल्व, चलो ना अरे बोलते जाओ, कॉस थीटा, थीटा कितना है, इट इज़ पाई बाय टू प्लस आई और ये है हमारे पास साइन थीटा मतलब पाई बाय टू, सॉल्व करो बट से, ठीक है. चलो सॉल्व करना शुरू करो, तो ये ट्वेल्व हो गया. अच्छा कॉस पाई बाय टू, पहली बात तो ये कि पाई बाय टू का मतलब होता है 90 और कॉस 90 होता है ज़ीरो, ठीक है. प्लस अब मैं जाता हूँ आई और साइन 90, साइन 90 होता है वन, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वन. अब सॉल्व करते जाओ क्या होगा, ये जीरो छोड़ दो, यानी ये आई वन जा आई और ये बनेगा ट्वेल्व, इसलिए हमारा फाइनल जो आंसर आएगा दैट विल बी ट्वेल्व आई, ठीक है. अब बोलेंगे सर वो फॉर्म में आ गया क्या, हाँ आ गया. देखो इस फॉर्म में लाना था ना ए प्लस आई भी, अब ए नज़र नहीं आ रहा तो जीरो होगा, तो जीरो प्लस ट्वेल्व आई हो गया, यानी हमारा काम हो गया. सिंपल करना क्या होता है कि आपको जो दिया है पहले आप उसको इस फॉर्म में ला लो, उसके बाद में फाइंड आर एंड थीटा एंड देन अप्लाई द पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है. एंड ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट द फॉर्म ए प्लस आई बी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ठीक है. चलो तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन सेकंड, आई राइट अगेन हियर लेट, ठीक है. तो z इज इक्वल टू ये सब दिया है, ओ माई गॉड यहाँ पे मेरे ख्याल से वो रहेगा नहीं, ठीक है. सो इधर ले लेते हैं, चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा बड़े टाइप में दिया है, ठीक है. सो z इज इक्वल टू क्या है, चलो बताओ z इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, ऊपर में है रूट टू, ब्रैकेट में है हमारे पास में cos पाई बाय ट्वेल्व प्लस आई साइन पाई बाय ट्वेल्व, सॉरी पाई बाय ट्वेल्व है बराबर, और नीचे में भी है टू, नीचे यहाँ पर है कॉस फाइव पाई बाय सिक्स प्लस वहाँ पे दिख रहा है आई साइन फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है ऐसा. अब थोड़ी सी परेशानी है, ठीक है. यहाँ पे क्या था, हमको e पावर यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था, वंस अगेन हियर इट वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे देखते हो आप, मतलब यहाँ पर तो एक्चुअली ये ऑलरेडी ऊपर बोलो या फिर नीचे बोलो वो ऑलरेडी पोलर फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म से हमको इधर जाना वैसे तो सिंपल है, ठीक है, लेकिन तुमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. एक तो आपके पास दो चारा है, अब इसको फिर से क्या करो, यहाँ पर लेके जाओ किसमें, अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फिर वापस लाओ, एक चारा है, या फिर यही से करना शुरू कर दो, ठीक है. लेकिन अगर बात करते यही से करने की, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आपको जाने वाला है तो जाना नहीं चाहिए, इसलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है. तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सा जाने वाला वो देखते हैं, यहाँ पे कॉस पाई बाय ट्वेल्व की बात आ रही भाई,
ठीक है, कॉस पाई बाय 12 निकालना थोड़ा सा पेचीदा काम हो जाएगा। हाँ देखो, हमारे पास कैसे पाई है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 3 है, पाई बाय 4 है, पाई बाय 6 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 3 पाई बाय 2 है, लेकिन पाई बाय 12 थोड़ा सा मुश्किल होता। इसलिए एक काम करते हैं, हम इसको पहले किसके फॉर्म में बदलेंगे, ई पावर, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर वापस हम पोलर फॉर्म में ही आएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो, जैसे कि यहाँ पर आप चेक करो, पहले यहाँ पर चेक करो, ये जेड इज इक्वल टू आर ई पावर थीटा आई था, तो ये आर हो गया, थीटा हो गया, तो पोलर फॉर्म क्या है, आर है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब दो मिनट के लिए सोचो कि हम वापस यहाँ जाना चाहते हैं, करना क्या है, ये आर एज इट इज, ठीक है, इसको हटाओ, जो थीटा है वो ई के पावर में डाल दो, ठीक है, ऐसे तो काम करना है। देखो क्या कहा मैंने, आर लिखो और ई के पावर में थीटा चढ़ा दो, आई चिपका दो, ठीक है। सो पहली बात, यहाँ पर इसको हम बदलते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, बदलते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, रूट टू, यानी ये हो गया आर, रूट टू यानी हो गया आर। अब क्या कहा मैंने, ई के पावर में किसको चढ़ाना है, तो जो एंगल है थीटा, तो एंगल यहाँ पर है पाई बाय 12 और आई चिपकाना है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे अगर बात करते हैं, तो ये 2 है, ये ई पावर हो गया, ठीक है, यहाँ पे थीटा कौन है, यस 5 पाई बाय 6 और इसको चढ़ा दो आई, हो गया, सिंपल सी टेक्निक है, ठीक। अब चलो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए ये रूट टू, ठीक है, और ये 2 इसको अलग डाल दो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ हमने काम किया, कहाँ पर काम किया, यहाँ पर ई था, बेस सेम था, मल्टीप्लीकेशन था, पावर्स की एडिशन हुई, यहाँ पर भी देखो ई है यानी बेस सेम है, लेकिन डिवीजन है, तो पावर के क्या होंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सो चलो ई का पावर, ठीक है, ई का पहला पावर कौन है, यस 5 सॉरी पाई बाय 12, ठीक है, माइन यहाँ पे आई भी लिख दो साथ में, माइनस यहाँ पर होगा 5 पाई बाय 6 आई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, तो सबसे पहले तो ये मुझे 1/√2 मिल जाएगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इस 2 में √2 दो बार छुपे हैं, तो एक एक को काट दो तो ये मिलेगा। अब यहाँ पर सॉल्व करो, तो e पावर, अब यहाँ पर अगर देखो ना, तो हमारे पास में आई को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर पाई बाय 12 है, माइनस 5 पाई बाय 6 है और आई हो गया, ठीक। मैं थोड़ा सा यही एक स्टेप बचाने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे देखो क्या है, तो आपको मालूम है यहाँ पे हम दो तरीके से जा सकते हैं, या तो आप एलसीएम मेथड से जाओ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन नीचे, ये टेक्निक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी एलसीएम वाली मेथड, तो 12 और 6 में एलसीएम कौन है, 12, ठीक है। अब 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो नीचे वाला कटेगा, तो 12 कट गया, तो बचेगा हमारे पास पाई, माइनस यहाँ पे 6 कितने जा, यस 6 टू जा, 6 टू जा, तो 2 है, 2 5 जा, ये बनेगा 10 और साथ में लिखो पाई और इसको ब्रैकेट के बाहर आए, ठीक है। या फिर आपको जिस तरह से करना है ना बच्चों, कर लो, क्योंकि 8 क्लास, 7 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में ऐसा ही बहुत बार है, ठीक है। सो चलो यहाँ पर देखो, तो ये हमारा 1/√2 हो गया। अब यहाँ काम करते ई पावर, देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 पाई है, माइनस यहाँ पर क्या है, 10 पाई, 1 पाई माइनस 10 पाई, तो ये बन जाएंगे माइनस 9 पाई बाय 12 आई, हो जाएगा ऐसा। चलो अब इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ते हैं, आप नीचे नीचे जाना प्लीज़, थोड़ी जगह कम है तो मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ई पावर माइनस, देखो 3 का टेबल है ना, तो 3 3 9 और 3 4 12 आई हो गया। अब ये फिर से हमारे इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, सिंपल मैं यही पे आप इसको कंपेयर कर लो पट से, ठीक है, यानी कंपेयरिंग विथ, क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ में कंपेयर करेंगे, दिस इज योर जेड, तो जेड इज इक्वल टू आर ई पावर थीटा आई, ठीक है। तो चलो बताओ आर क्या होगा, यस आर होगा 1/√2 और थीटा हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा थीटा, माइनस 3 पाई बाय 4, तो इस तरह से हो गया। अब हम लिखेंगे पोलर फॉर्म, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो क्या फार्मूला है, जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा है। चलो सॉल्व करो, तो आर हमारे पास क्या है, इट इज़ 1/√2, ठीक है, कॉस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट ले लेता हूँ, कॉस, ठीक है, थीटा, थीटा, थीटा क्या है, यस माइनस 3 पाई बाय 4 है, ठीक है, माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस क्या होगा आई, ठीक है,
तो आई हमारे पास में है आई इंटू साइन, फिर से यहाँ पर क्या है माइनस 3π/4, ठीक है। अब आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है, तो 1/√2, क्योंकि मैंने आपको माइनस वाले नेगेटिव एंगल वाले भी बताए, जैसे एग्जांपल साइन माइनस थीटा यानी माइनस साइन थीटा, यहाँ पर मैंने टेक्निक बताई थी कॉस और सेक छोड़कर बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो ये जब है तो कॉस पॉजिटिव बन जाएगा, यानी क्या होगा यहाँ पर देखो सिंपली, तो मैं लिखता हूँ कॉस 3π/4, यहाँ पे ये माइनस बाहर आएगा क्योंकि साइन के साथ है, तो माइनस आए और बनेगा साइन 3π/4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन किया है। देखो कॉस 3π/4 है, यहाँ पर भी देखो कहाँ गया, ये जो हमारे पास में था कौन सा, ये देखो ये कॉस 3π/4 है, मैंने सॉल्व कर जाने के बाद में अब देखो ये आंसर मिला था हमको, ठीक है, कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पे क्या है कॉस 3π/4 था, कॉस 3π/4 को इस तरह से सॉल्व करते करते गए यहाँ पर ये मिला, तो अभी भी तो वही मिलने वाला ना, तो आप वैसा सॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, तो क्या है कॉस 3π/4, कॉस 3π/4 माइनस 1/√2, ठीक है। अब ये माइनस है हमारे पास, ये आई है, अब साइन 3π/4 भी देखो, साइन 3π/4 सॉल्व करते 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 गए तो ये मिला 1/√2, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1/√2, ठीक है, और अब इसको आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 1/√2 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो ऊपर ऊपर माइनस रहेगा, 1 × 1 = 1, √2 √2 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस आई और फिर से 1 × 1 = 1 और √2 √2 ये हुआ 2, और इसीलिए जेड इज इक्वल टू, मैं दोनों में से क्या करता हूँ माइनस बाहर निकालता हूँ और 1/2 प्लस, ठीक है, 1/2 आई, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या है कि हर एक चीज़ आपको देखकर चलना पड़ता है, हो सकता कभी कभी मेरी भी गड़बड़ी हो जाए, क्योंकि मेरे सामने अभी कोई विद्यार्थी है ही नहीं जो पट से बताए सर गड़बड़ी हो गई, सो कभी कभी थोड़ा सा होता है, तो आप भी बराबर चेक किया करो, ठीक है। सो बच्चों अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।